हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर की जो पोएम है द पिकॉक, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये टॉपिक है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम पार्ट टू। ठीक है, अब ये आपके क्वेश्चन है, क्या क्या है। व्हाट वाज द शर्ट एज द वॉयलेट वाज फ्रिंज्ड विथ गोल्डन नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज क्लियरली सीन व्हेन द पिकॉक डार्ट्स। हु कैन चेंज द डायरेक्शन और हु विल अवेकन द स्ट्रेच। और लास्ट है, विच ट्री इज टॉक्ड अबाउट इन द पोयम। ये फाइव क्वेश्चन है कि जो डायरेक्शन कौन बदल सकता है, कौन जाग जाता है, स्ट्रेच हो जाएगा, और किस पेड़ के बारे में बात की जा रही है, और जब जो मोर है वो तीव्र गति से दौड़ता है तब क्या दिखाई देता है, और जो वो क्या शर्ट था जो वॉयलेट के साथ फ्रिंज्ड हो गया है ना, इन सभी के आंसर हम देखते हैं। तो ये देखिए आंसर, ये पहला वाला आंसर कि पिकॉक टर्न्स अवे टू गेट टुगेदर हिज टेल विच आर वॉयलेट फ्रिंज्ड विथ गोल्डन एम्बर व्हेन द टेल ब्लिंक्स द आईज ऑफ ए पिकॉक क्लोजेस। कि जब टेल जो ऊपर उठती है तब उसकी जो आँखें हैं पिकॉक क्यों बंद हो जाती है। फिर उसके बाद ए ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ द टेल वे वॉज क्लियरली सीन व्हेन द पिकॉक डार्ट्स, यानी कि जब जो मोर तेज गति से आगे बढ़ता है तो उसकी जो पूंछ है, उसका जो सिरा है या एंड है, उसकी झलक हमें दिखाई देती है। कौन डायरेक्शन बदल सकता है तो द विंड, और कौन जाग जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा तो द केट, और किस पेड़ के बारे में बात की जा रही है तो द पीपल ट्री टॉक्ड अबाउट इन द पोयम। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और NEET का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउट नट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए।